जैसे क्रोशिया की किसी भी ड्रेस पर, स्वेटर पर या फिर सिलाई के स्वेटर पर अगर हम बॉर्डर बना दें तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज से हम क्रोशिया के बॉर्डर्स बनाने स्टार्ट करेंगे। ये हमारे क्रोशिया के बॉर्डर की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम बहुत ही सिंपल दो तरह के बॉर्डर बनाएंगे। एक तो ये बॉर्डर, ये हम सिंगल स्टिच से ये बॉर्डर बनाया जाता है किनारे किनारे पर इस तरह से। और एक ये बॉर्डर है, ये भी बनाने में बहुत आसान है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आज हम ये दोनों तरह के बॉर्डर बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आज हम सबसे पहले, हमारा फर्स्ट ये वीडियो है बॉर्डर का, इसमें हम बिल्कुल बेसिक क्रोशिया का बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए कोई भी आपका स्वेटर हो उस पर सबसे किनारे पर, यहाँ पर अगर क्रोशिया का है तो यहाँ पर चैन के नीचे हुक डालकर आप नए धागे को जोड़ लीजिए। आप कंट्रास्ट कलर से भी बना सकते हैं या सेम कलर से भी बना सकते हैं, फिनिशिंग भी आती है बॉर्डर से। और इस तरह से ये यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब ये जो पीछे वाला धागा है इसे इस तरह से पकड़े रखेंगे ऊपर, क्योंकि ये हमें बनाते समय, बुनते समय ही ये धागे को हमें दबाना है। अब हम हुक को लेंगे और ये जो चैन है चैन के नीचे इस तरह से डालेंगे, और ये और यहाँ धागा लेकिन दोनों में से निकाल दें, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये सबसे बेसिक, सबसे इजी तरीका है बॉर्डर बनाने का। इस तरह से इससे दूसरा कलर भी ऐड हो जाता है और बहुत हैवी बॉर्डर भी नहीं बनता, एक फिनिशिंग भी आती है। इस तरह से हर चैन पर एक एक ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये क्रोशिया का सबसे बेसिक बॉर्डर है, सबसे इजी। इस तरह से क्रोशिया का बॉर्डर बना सकते हैं, या फिर क्रोशिया का एक दूसरी तरह का हम बॉर्डर बना सकते हैं। उसमें हम यहाँ पर, जैसे ये आपका स्वेटर है, यहाँ पर आप लेंगे इस तरह से ऊपर धागा लेकर चैन में डालेंगे इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसी होल में, इसी होल पर सेम हम यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये जो नेक्स्ट होल है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को जोड़ देंगे ऐसे। फिर से बनाएंगे एक, यहाँ पर हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और फिर उसी होल में हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट होल में हम इसको जोड़ देंगे। ये इस तरह से ये बॉर्डर आता है। इसके लिए हुक पर धागा लेकर इसी होल में जिसमें हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा है यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी होल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसको हम नेक्स्ट होल में जोड़ देंगे ऐसे। और फिर इसी होल में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसी में एक और बनाएंगे और नेक्स्ट होल में जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा बॉर्डर बनता जाएगा। आप देखेंगे ये इस तरह से लगता है। ये भी बहुत इजी है बॉर्डर। ये बॉर्डर हमारा बनकर इस तरह से दिखता है। ये ऐसे ऐसे करके ये पूरे पर आप बनाएंगे। हमारे कान्हा जी की छोटी सी टॉप है उस पर हमने ये बॉर्डर बनाया है। ये इस तरह से नजर आता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है और बनाने में बहुत आसान है। और जो हमारा फर्स्ट बॉर्डर है ये वाला, ये इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पर किनारे किनारे पर यही बॉर्डर बनाया है सिंगल स्टिच से। इससे ना तो आपकी ड्रेस बड़ी होती है और एक प्यारा सा बस एक आउटलाइन आ जाती है। यहाँ पर आप किसी भी कलर से आउटलाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट बॉर्डर इस तरह से दिखेगा, और जो सेकंड बॉर्डर है वो इस तरह से दिखेगा ऐसे। ये बनाने में बहुत आसान है, कोई बिगनर्स जो हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और क्रोशिया और सिलाई की और भी वीडियोस के लिए, स्वेटर डिजाइंस के लिए हमारे चैनल केएसटी मॉम्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।